हेलो बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक वासुदेव। आज हम CBSE पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा के नए पाठ्यपुस्तक स्पर्श में मीराबाई से रचित पद के बारे में जानते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ का अवलोकन देखते हैं। इसके अंतर्गत कवयित्री परिचय, पाठ प्रवेश, पहला पद, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। चलिए अब हम सीखने की संप्राप्तियां देखते हैं। सीखने की संप्राप्तियां। इस मॉड्यूल एक के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकेंगे, मीरा के भावों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकेंगे, उचित लय ताल आरोह अवरोह के साथ कविता पाठ करने की योग्यता का विकास कर सकेंगे, माधुर्य भक्ति भावना का अनुभव कर सकेंगे, कविता के केंद्रीय भाव को समझ सकेंगे। चलिए कवयित्री का परिचय देखते हैं। कवयित्री का परिचय। पद, इसकी कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी या कुड़की गांव में 1503 में हुआ ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। मीरा का जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। मीरा संत रैदास की शिष्या मानी जाती है। मीरा की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। मीरा का देहांत 1546 में हुआ। चलिए अब तक की सीखी हुई बातों पर एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में पहला प्रश्न, मीरा का जन्म कब हुआ? 1501, 1502, 1503, 1504। सही जवाब, मीरा का जन्म 1503 में हुआ। क्रियाकलाप में दूसरा प्रश्न, मीराबाई का विवाह किससे हुआ? राणा प्रताप, भोजराज, संग्राम सिंह, महाराणा सांगा। सही जवाब, मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ। क्रियाकलाप में तीसरा प्रश्न, मीराबाई के पदों में किन भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है? राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, ये सभी। सही जवाब, मीराबाई के पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती
इन सभी भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। क्रियाकलाप में चौथा प्रश्न, भौतिक जीवन से निराश होकर किसने घर परिवार त्याग दिया? श्री कृष्ण, भोजराज, मीरा, महाराणा सांगा। सही जवाब, भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार त्याग दिया। पाठ प्रवेश, चलिए अब हम पाठ प्रवेश में पाठ का उद्देश्य समझते हैं। मीरा ने पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। प्रस्तुत पाठ में मीरा अपने आराध्य से मनोहर भी कहती है, लाड भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाह न देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है और उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। चलिए अब पाठ प्रवेश के अंतर्गत एक क्रियाकलाप को देखते हैं। क्रियाकलाप दो, क्रियाकलाप दो, क्रियाकलाप के अंतर्गत पांचवा प्रश्न, मीराबाई ने किन के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी? नीलकंठ शिव, चतुर्मुख ब्रह्म, गिरिधर गोपाल या घनश्याम? बहुत बढ़िया, सही जवाब, मीराबाई ने गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। क्रियाकलाप दो के अंतर्गत छठवा प्रश्न, मीराबाई किनकी क्षमताओं का स्मरण करती है? द्रौपदी, श्री कृष्ण, प्रहलाद या ऐरावत? सही जवाब, मीराबाई श्री कृष्ण की क्षमताओं का स्मरण करती है। पहला पद, हरि आप हरो चनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। चलिए अब हम मीराबाई के पहले पद को राग युक्त सुन और देख कर उसका आनंद लेते हैं। हरि हरि आप हरो जनेरी भीर, आप हरो जनेरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटिए कुंजर पीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो
काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। हरी। चलिए अब हम इस पहले पद के अंतर्गत आने वाले शब्दों का अर्थ देखते हैं। हरी, जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। हरो, जिसका अर्थ है हरने वाला या मिटाने वाला। जन, इस शब्द का अर्थ है भक्त। भीर, इस शब्द का अर्थ है दुख दर्द या पीड़ा। लाज, इस शब्द का अर्थ है इज्जत। बढ़ायो, इस शब्द का अर्थ है बढ़ाना। चीर, इस शब्द का अर्थ है साड़ी के कपड़े। नरहरि, इस शब्द का अर्थ है नरसिंह अवतार। शरीर, इस शब्द का अर्थ है शरीर। गजराज, इस शब्द का अर्थ है ऐरावत। कुंजर, इस शब्द का अर्थ है हाथी। गिरधर, गिरी का धारण करने वाला श्री कृष्ण। व्याख्या, व्याख्या, हरी आप हरो जन रे भीर। हे श्री कृष्ण, आप अपने जन यानी भक्तों के दुख दर्दों को हरने वाले हैं, अर्थात पीड़ाओं को मिटाने वाले हैं। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जैसे आपने साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चलकर सभा में द्रौपदी की इज्जत बचाई। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। जैसे आप अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार का धारण किया। बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। जैसे हाथियों के राजा गजराज ऐरावत को मगरमच्छ जंगल से बचाया। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। जिस तरह से आपने द्रौपदी प्रहलाद और ऐरावत की रक्षा की, उसी तरह आप मेरी भी सारी दुख दर्दों को दूर कर दो। बच्चों, अब इस पहले पद की विशेषताएं देखते हैं। इस पद की भाषा सरल एवं सरस है, प्रभावोत्पादक भी है। पहले पद में ब्रज भाषा तथा राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तुकांत शब्द, ऐसे दो शब्दों को कहा जाता है जिनके अंत का वर्ण समान हो। पहले पद में प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द तुकांत है। पहले पद में गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। क्रियाकलाप तीन। अब इस पहले पद के व्याख्या पर एक क्रियाकलाप देखते हैं। चलिए मेरे साथ। क्रियाकलाप तीन के अंतर्गत सातवां प्रश्न, द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए भगवान कृष्ण क्या पढ़ाते हैं? शरीर, साड़ी, पीड़ा या पहाड़? सही जवाब, द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए भगवान कृष्ण साड़ी बढ़ाते हैं। क्रियाकलाप तीन के अंतर्गत आठवां प्रश्न, किन के लिए भगवान ने
नरहरि का रूप धारण किया। प्रहलाद, द्रौपदी, ऐरावत या मीराबाई। बहुत बढ़िया, सही जवाब। प्रहलाद के लिए भगवान ने नरहरि का रूप धारण किया। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत नवा प्रश्न। पहले पद में दासी शब्द किन के लिए प्रयोग किया गया? द्रौपदी के लिए, प्रहलाद के लिए, हाथी के लिए या मीरा के लिए? बहुत बढ़िया, सही जवाब। पहले पद में दासी शब्द मीराबाई के लिए प्रयोग किया गया। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत 10वां प्रश्न। गिरधर कौन है? भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु? बहुत बढ़िया, सही जवाब। इस पद में गिरधर भगवान कृष्ण है। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत 11वां प्रश्न। कुंजर शब्द का अर्थ पहचानिए। शेर, हाथी, नरसिंह या श्री कृष्ण? बहुत बढ़िया, सही जवाब। कुंजर शब्द का अर्थ है हाथी। क्रियाकलाप 3 में 12वां प्रश्न। गजराज शब्द का अर्थ पहचानिए। इंद्र, शिव, ऐरावत या मगरमच्छ? बहुत बढ़िया, सही जवाब। गजराज शब्द का अर्थ है ऐरावत। मुख्य बिंदु। मीरा कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। पहले पद में मीरा कहती है कि भगवान कृष्ण भक्त जनों की पीड़ा मिटाने वाला है, जैसे द्रौपदी की इज्जत बचाई, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार का धारण किया है, ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया है, उसी तरह मीरा भी आवाज दे रही है कि उसकी पीड़ा को भी मिटा दे। आकलन। आकलन में पहला प्रश्न। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? चौकड़ी, वृंदावन, कौसानी या अयोध्या? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीराबाई का जन्म चौकड़ी में हुआ। आकलन में दूसरा प्रश्न। मीराबाई किन किन भाषाओं की कवयित्री मानी जाती है? तेलुगु, हिंदी, हिंदी गुजराती, गुजराती मराठी या मराठी पंजाबी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीराबाई हिंदी गुजराती भाषाओं की कवयित्री मानी जाती है। आकलन में तीसरा प्रश्न। पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा कहाँ जा बसी थी? द्वारका, अयोध्या, काशी या वृंदावन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा वृंदावन जा बसी थी। आकलन में चौथा प्रश्न। श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भाव कैसी थी? दैन्य, माधुर्य, स्नेह पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक या करुण? बहुत बढ़िया, सही जवाब। श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भाव दैन्य और माधुर्य की थी।
आकलन में पांचवा प्रश्न। पहले पद में हरि शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया? भगवान विष्णु के लिए, भगवान राम के लिए, भगवान कृष्ण के लिए या भगवान शिव के लिए? सही जवाब। पहले पद में हरि शब्द का प्रयोग भगवान कृष्ण के लिए किया गया। आकलन में छठवां प्रश्न। मीरा किनकी शिष्या थी? रैदास की, कबीर की, रहीम की या तुलसीदास की? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीरा रैदास की शिष्या थी। आकलन में सातवां प्रश्न। कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने किसको मारा? ऐरावत को, मगरमच्छ को, नरसिंह को या द्रौपदी को? बहुत बढ़िया, सही जवाब। कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए भगवान ने मगरमच्छ को मारा। आकलन में आठवां प्रश्न। मीरा का देहांत कब हुआ? 1546 में, 1547 में, 1548 में या 1549 में? बहुत बढ़िया, सही जवाब। मीरा का देहांत 1546 में हुआ। आकलन में नौवा प्रश्न। बढ़ायो शब्द का अर्थ पहचानिए। बढ़ाना या घटाना? सही जवाब। बढ़ायो शब्द का अर्थ है बढ़ाना। आकलन में दसवां प्रश्न। भीर शब्द का अर्थ पहचानिए। दुख दर्द या हंसी खुशी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। भीर शब्द का अर्थ है दुख दर्द। इस मॉड्यूल एक के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर चुके हैं। मीरा के भावों के साथ तादात्म्य स्थापित कर चुके हैं। उचित लय ताल आरोह अवरोह के साथ कविता पाठ करने की योग्यता का विकास कर चुके हैं। माधुर्य भक्ति भावना का अनुभव कर चुके हैं। कविता के केंद्रीय भाव को समझ चुके हैं। बच्चों, मीराबाई का पहला पद संपन्न हुआ। मॉड्यूल 2 में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।